डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर एक लैग्रेंज इक्वेशन है। बेसिकली यह लैग्रेंज इक्वेशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आता है। और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात करें तो जहाँ पर दो मास होगा, दो मास कैसे होगा, आपको थोड़ा सा हम जो है ब्रीफ ओवरव्यू देते हुए ही आगे बढ़ेंगे। दो मास मतलब इस तरह का कुछ जो है एक सिस्टम होगा, ठीक ना। यदि सिंगल मास होता तो सिंगल मास कैसे होता, तो आप वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। सिंगल मास ये देखिए, यहाँ पर ये आपका कुछ यदि ऐसा होता मास M1, ये इसके ऊपर रोटेट कर रहा, और ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, और ये आपका डैम्पर है। तो ये क्या है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है। और इसके ऊपर आप फोर्स लगा दिए F1, ये X है, K है, ये C है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, X है। तो इसका इक्वेशन क्या होता था, MX" + CX" + KX = F(T). तो ये हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन का, डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में दो मास हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, दो मास हो गया। अब इस दोनों मास के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाले थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें हमने डैम्पर नहीं जोड़ा है। डैम्पर जोड़ेंगे तो इक्वेशन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, जैसा कि हम लेक्चर नंबर 62 में बताए हैं। लेक्चर नंबर 62 में ये हमने आपको बताया था कि डैम्पर जोड़ करके कैसे वह इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। अब डैम्पर पर अभी आपको दिखा दें, थोड़ा सा याद दिला दें आपको, ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन है। ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी लैग्रेंज इक्वेशन कहाँ पर यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, ये समझना जरूरी है। अदरवाइज लैग्रेंज इक्वेशन तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, लेकिन वाइब्रेशन में इसका क्या यूज है, फिर कोऑर्डिनेट कपलिंग कहाँ से आया, ये सब हम बताना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका दो मास है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और दो इक्वेशन यहाँ पर बना है चूंकि डैम्पर भी है। तो देखिए दो इक्वेशन बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये हो गया, अब देखिए यहाँ पर एक्स है ना, सिर्फ थीटा है क्या कहीं पे, थीटा तो कहीं नहीं है सर, थीटा तो कहीं है नहीं। लेकिन एक हमने आपको जस्ट लास्ट जो है क्लास में पढ़ाया था टोर्सनल वाइब्रेशन, टोर्सनल वाइब्रेशन में एक्स कहीं नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ थीटा ही तो होगा, देयर विल बी ओनली एंगुलर मूवमेंट, देयर इज ओनली एंगुलर मूवमेंट। अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम भी है जहां पर एंगुलर मूवमेंट और लीनियर मूवमेंट दोनों हो जाए, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या जहां पर लीनियर मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट दोनों हो, तो जी हाँ है पॉसिबिलिटी। देखिए ये कोऑर्डिनेट कपलिंग में हमने आपको बताया था कि किसी बस पे आप जा रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो जिसमें आप बाइक के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो ये चेसिस है आपका, ये स्प्रिंग स्टिफनेस K1 और K2, जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो ये आगे वाला पोर्शन नीचे चले जाएगा और पीछे वाला पोर्शन ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पर X मतलब कि आपका लीनियर मूवमेंट भी हो रहा है और एंगुलर मूवमेंट, ये नीचे तो गया X और ये कितना थीटा से गया, तो ये चूंकि बहुत छोटा है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट जो है लीनियर इक्वेशन में रख लिया है L1 + θ। अब ये जो कोऑर्डिनेट कपलिंग है आपका, ठीक है ना, क्या कोऑर्डिनेट कपलिंग, ये कोऑर्डिनेट कपलिंग के लिए हमने लंबा चौड़ा इक्वेशन निकाला था, लंबा चौड़ा इक्वेशन हमने निकाल करके आपको बताया था। बेसिकली कोऑर्डिनेट कपलिंग का मतलब यही होता है कि दो कोऑर्डिनेट का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो सकता है और आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, और ये दोनों को जो है हमने निकाला था, ठीक है ना। ये पूरा लंबा चौड़ा इक्वेशन जो है हमने निकाल करके आपको कोऑर्डिनेट कपलिंग का बताया था कि किस तरह से ये होगा, ठीक है ना। अब ये सब बताने के बाद हमने ये इक्वेशन भी निकाला था कि जब ये दोनों कंडीशन बराबर हो, जो दोनों बराबर नहीं हो, मतलब ये अनकपल्ड के लिए ये फ्रिक्वेंसी निकला था और ये कपल्ड इक्वेशन, अनकपल्ड क्यों हो गया, क्योंकि इसमें देखिए थीटा गायब हो गया। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ये अनकपल्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कपल्ड कब होता है,
कपल्ड तब होता है जब देखिए ये यहाँ पर M1 और M2 के बीच में ये कपलिंग है, ये कपलिंग है, ये K और C यदि जीरो हो जाए, K की वैल्यू जीरो हो जाए C, तो ये अनकपल्ड हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो ये कपलिंग के लिए जब दो तरह का इक्वेशन यूज होता है, ठीक है ना, किसके लिए, x भी लीनियर भी और एंगुलर भी, उस समय लैग्रेंजियन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो, इंडिपेंडेंट पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और यह तब जो है फिजिबल होता है जब हमारे पास जो है जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, जैसे ये आपका मास है और ये जो है आपका स्प्रिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी हमने सिंपल बना दिया है, लेकिन यही जो है आपका, और ये जो है दूसरा मास हो गया, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही जनरली यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसके लिए तो इक्वेशन आप बनाएंगे। अब बाई द वे इक्वेशन में यदि आपको इनर्जी मालूम हो, इनर्जी मालूम हो, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे यूज करते हैं इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास दो मास सिस्टम है, ठीक है ना, एक यहाँ भी मास सिस्टम दिखाए, एंगुलर और लिनियर, ये भी दोनों हो सकता है, डायरेक्ट दोनों लिनियर हो सकता है, ये कपल्ड भी हो सकता है, और कपल्ड होगा तो ही, कपल्ड भी हो सकता है, अनकपल्ड भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कपल्ड होगा तभी जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जो है स्टार मार करके लिख देना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि लैग्रेंजियन इक्वेशन इज यूज्ड ओनली फॉर कपलिंग, ठीक है ना, व्हेन देयर इज कपलिंग। यदि कपलिंग नहीं है तो हम क्यों इतना टफ इक्वेशन यूज करेंगे। और ये तभी जो है आप निकाल सकते हैं जब आपके पास इनर्जी इक्वेशन हो। इनर्जी इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कोई भी सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, ये मास क्या है, ये स्प्रिंग है और ये डैम्पर है, तो डैम्पर के पास भी इनर्जी होगी, मास के पास भी इनर्जी होगी और स्प्रिंग के पास भी इनर्जी होगी, होगी कि नहीं। अब यहाँ पर दो तरह की इनर्जी होती है, एक होता है काइनेटिक इनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल इनर्जी। और यहाँ पर अभी डैम्पर हम हटा दें, सिर्फ मान लीजिए कि स्प्रिंग है, ठीक है ना, क्या है, स्प्रिंग है, तो सबसे पहले काइनेटिक इनर्जी निकालते हैं और उसके बाद पोटेंशियल इनर्जी। तो काइनेटिक इनर्जी निकालेंगे तो इसको इंडिकेट करते हैं किससे, टी से, और क्या होता है, हाफ M1x1 डॉट का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी को क्या लिखते हैं, एक्स वन डॉट, प्लस दूसरे के लिए हाफ M2x2 डॉट का स्क्वायर, ये क्या है, काइनेटिक इनर्जी। उसी तरह से पोटेंशियल इनर्जी भी निकालते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं किससे, वी से, क्या होता है, हाफ K1x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ K2 और X2-X1 का होल स्क्वायर। X2-X1 क्यों होगा, क्योंकि ये जो है K1 है, K2 है, ये आपका X1 है, ये X2 है, ठीक है, ये X2 जो है X1 से इंडिपेंडेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, X2 जो है X1 से इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं X1 X2 से इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट और इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना, इसके चलते ये इफेक्टेड होगा, इसके चलते ये इफेक्टेड होगा, तभी तो इसका नाम हम बोल रहे हैं कपलिंग, ठीक है, लैला मजनू वाली बात है, लैला को चोट लगती है तो मजनू जो है रोता है और मजनू को चोट लगता है तो लैला रोती है, ठीक है, तो ये वाली कहानी है यहाँ पर। तो ये आपका इक्वेशन हो गया किसका, काइनेटिक इनर्जी का और पोटेंशियल इनर्जी का, ठीक है। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या है, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं क्या, लैग्रेंजियन इक्वेशन, बस हो गया इतना सा ही तो है। देखिए लैग्रेंजियन इक्वेशन होता है d/dt (dt/dx), ये कौन सा था, काइनेटिक इनर्जी, ठीक है ना, -(dt/dx) + (dv/dx)
डेल वी अपन डेल एक्स और इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये है लैग्रेंजियन इक्वेशन, ठीक है। डेल अपन डेल टी अपन डेल एक्स माइनस डेल टी अपन डेल एक्स प्लस डेल वी अपन डेल एक्स। टी क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी देखिए सामने है आपके, यदि ये तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिंगल रहता सिंगल की जरूरत पड़ती नहीं है, ऐसे सिंगल रहता सिंगल के लिए ले लेते, डबल है डबल के लिए लेंगे, ट्रिपल रहेगा ट्रिपल के लिए लेंगे, उसी तरह से ये आपका पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सब कुछ अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है 2 है तो इसको एक बार करेंगे दो बार, ये सब डायरेक्ट निकाल लीजिए, एक बार दो बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये डेल अपन डेल टी इंटू डेल टी अपन डेल एक्स निकालेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा एम वन एक्स वन डबल डॉट, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये एक्स वन के लिए निकालेंगे, जब आप एक्स वन के लिए जब आप निकालेंगे एक्स वन के लिए तो यही इक्वेशन है ना, तो टू एक्स वन डबल डॉट आ जाएगा और ये टू इधर जो आएगा वो कट जाएगा और एक्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, ये आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एम वन एक्स, उसी तरह से डेल अपन डेल टी और डेल टी अपन डेल एक्स टू निकालेंगे, यदि आप क्या निकालेंगे डेल एक्स टू, जब डेल एक्स टू निकालेंगे आप डेल एक्स टू तो ये क्या हो जाएगा, ये एम वन एक्स वन वाला तो जीरो हो जाएगा पार्ट, ठीक है, ये वाला टू इधर आएगा तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या एम टू एक्स टू डबल डॉट, ठीक है। उसी तरह से ये डेल वी अपन डेल एक्स, डेल वी अपन डेल वी अपन डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी अपन डेल एक्स यदि आप निकालेंगे एक के लिए निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे डेल वी अपन डेल एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक्स वन का निकालना है कि एक्स टू का निकालना है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ये एक्स वन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये के वन एक्स वन टू एक्स वन हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टू एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, तो के टू और एक्स टू माइनस एक्स वन और यहाँ चूंकि एक्चुअली प्लस है लेकिन एक्स वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वन, तो ये माइनस बाहर ले लिया है, तो ये आपका डेल एक्स वन के लिए हो जाएगा कि नहीं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वन एक्स वन डबल डॉट, इस इक्वेशन को हम लिखना चाह रहे हैं, ये जो आपका इक्वेशन है ये डेल अपन डेल टी एम वन एक्स वन डबल डॉट निकला कि नहीं, एक्स वन के लिए मास एम वन के लिए, और माइनस माइनस ये डेल टी अपन डेल एक्स जीरो आ गया था और ये डेल वी अपन डेल एक्स क्या आएगा, सॉरी एक सेकेंड, ये डेल टी अपन डेल एक्स जीरो कैसे आएगा भाई, डेल टी अपन डेल एक्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डेल वी है और डेल वी अपन डेल एक्स और ये डेल, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, डबल डिफ्रेंसिएशन है तो ये आ गया था और वहाँ पर एक बार में करेंगे डेल टी अपन डेल एक्स एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम वन एक्स वन डबल डॉट और फिर एक्स वन डबल डॉट को भी तो करना है यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स वन डबल डॉट को भी करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अदरवाइज गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एम वन एक्स वन डबल डॉट हो गया और प्लस क्या हो जाएगा, के वन एक्स वन ये वाली डेल वी अपन डेल एक्स और माइनस के टू एक्स टू माइनस एक्स वन और इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों आ गया, देयर इज नो, एक्चुअली ये क्या है, फ्री वाइब्रेशन है, फोर्स्ड वाइब्रेशन नहीं है, फोर्स्ड वाइब्रेशन रहता तो एक्सटर्नल एक्साइटेड फोर्स आ जाता। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे भाई, यहाँ पर डेल देखिएगा, यहाँ पर ये वाले इक्वेशन रख दिए अब प्लस, ये तो जीरो आ जाएगा और ये डेल वी अपन डेल एक्स वाला, इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे तो आप देखिएगा तो एम टू एक्स टू डबल डॉट आ जाएगा और प्लस के टू एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर निकालेंगे डेल वी अपन डेल एक्स टू डेल वी अपन डेल एक्स टू तो ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा
ये एक्स टू वन आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू वन, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। जब दो इक्वेशन हो गया, अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये जनरल इक्वेशन बन गया कि नहीं। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन जनरली कपलिंग में यूज करते हैं, बहुत अच्छा इक्वेशन है। डेल अपन डेल टी इंटू डेल टी अपन डेल एक्स, एक बार और लिख देते हैं, और माइनस डेल टी अपन डेल एक्स और प्लस डेल वी अपन डेल एक्स इक्वल टू क्यू, टोटल एनर्जी। तो ये जनरली टोटल फ्री में तो जीरो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भी जो है मैक्सिमम में जीरो आ जाएगा, तो ये आप निकाल लीजिए। ये पहले वन के लिए निकालना है, पूरे वन के लिए निकालना है, फिर टू के लिए निकालना है, फिर थ्री के लिए निकालना है। तो ये सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ भी ये लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं जो अपन यूज करेंगे। तो आई होप कि ये इक्वेशन आप समझे होंगे। फिर भी यदि डाउट है, फिर यदि डाउट है, चूँकि आप YouTube देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, किसी मैथमेटिक्स के जो है टीचर का वीडियो देख लीजिए लैग्रेंजियन इक्वेशन का, होगा तो मैं लिंक भी इसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। और जो है इसको सॉल्व कीजिए और इस तरह से इक्वेशन बनाना सीखिए। इक्वेशन बनाना जब तक नहीं सीखेंगे, और फिर अब ये एक्स वन को कॉमन ले लीजिए, एक्स वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, एक्स टू इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी रख करके आप मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो ये अब आपके लिए सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी अटेंटिव टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू अंडरस्टूड लैंग्वेज इक्वेशन इन बेटर वे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।